सर मैं कनीस फातिमा से बात कर रहा हूँ, मैं गुलशन के एरिया में हूँ जी सर। एक्चुअली घर पे मेरे जो है वो सांप एक आया है। मुनीब साहब अपने शौक की वजह से पहचाने जाते हैं, कहीं भी सांप निकल आए तो लोग इन्हें कॉल करते हुए हिचकिचाते नहीं। आप ही ने कॉल की थी? मैंने कॉल किया। क्या देखा आपने? स्नेक टाइप की चीज थी, सांप। ये इस तरफ हमारे ने देखा। यहाँ पे देखा है? कौन सा सांप है? कोबरा। कोबरा? कोबरा आपको पता है कैसा सांप है? काला। काला और उसका वो ऊपर फंसा होता है जी। उम्मीद तो है कि ये नॉन वेनमस स्नेक है, और क्योंकि वेनमस स्नेक नॉर्मली घरों में नहीं होते नहीं, और अगर आए भी तो ज़्यादा देर रहते नहीं। गमले हटाने पड़ेंगे। बर्ड्स के केज में अगर होता तो बर्ड्स भागते हुए नज़र आते हैं हमें, लिहाजा बर्ड के केस की तरफ नहीं गया वो। हमें पता चला था कहीं से कि तारिक साहब होते हैं जो मतलब इस फील्ड में काफ़ी मतलब एक्सपर्ट हैं वो, तो उनका मतलब नंबर था हमारे पास। तो जब अब ये दोबारा सांप आया है सेकंड टाइम घर में, क्योंकि पहले एक मरतबा आ चुका था, उस वक्त तो हमें इतनी नहीं थी नो हाउ, तो अब जब आया है तो हमने मतलब तारिक साहब से कॉन्टेक्ट किया है फ़ौरन ही। तारिक साहब को बुलाया था हमने घर पर। ये तो कोबरा है, लेकिन कोबरा जो है ये पहली दफ़ा मैंने सुना है कि अगर कोबरा इस इलाके में निकला है। ओह माय गॉड, कराची के बीच शहर ये कोबरा। मैंने मेरा अंदाज़ा थोड़ा सा गलत निकला, और मैं समझ रहा था कि इस बरसात के मौसम में सांप जो है वो हो सकता है कि नॉन वेनमस हो, लेकिन ये कोबरा है, और कोबरा की हैंडलिंग के लिए हमें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। किसी के ऊपर अटैक किया था कोबरे ने? अच्छा, पत्थर आपने मारा? यहाँ पे आ गया था, यहाँ पे। अच्छा, अभी ये गर्म है, सुबह आपने देखा था ये गर्म इलाका है, यहाँ पे अभी इसके चांसेस बहुत कम है, वो कोशिश करके किसी ठंडी जगह पे गया होगा, अभी यहाँ धूप पड़ रही है। बहरहाल अभी हम देख लेते हैं, अगर हुआ जहाँ हम दुनिया के अंदर ये तसव्वुर करते हैं कि शायद दूसरे इलाकों में ज़्यादा हैं, इस तरह का हमारे जहन में भी नहीं आ सकता कि कराची जैसे शहर के अंदर जहाँ रिक्शे और जो हैं वो गाड़ियाँ इतनी स्पीड से चलती हैं, यहाँ पर भी सांप होंगे। मैंने सी व्यू में अपने घर के अंदर से 5 सांप खुद अपने हाथ से पकड़े हैं, और सी व्यू की स्ट्रीट गलियों के अंदर सांप मैंने देखे हैं। मलीर रिवर जिसके इर्द गिर्द हज़ार नहीं करोड़ों लोग आबाद हैं, इसके अंदर सांप हैं और लोगों के घरों से निकलते रहते हैं अक्सर। ये इतना ख़तरनाक है कि दुनिया में जो ख़तरनाक तरीन सांप हैं उनमें इसका शुमार होता है, और पाकिस्तान में ये जहर और काटने के हिसाब से दूसरे नंबर पर है। कोबरा और इसके बारे में क्या बताया जाए, लेकिन बड़ा खूबसूरत सांप है, ब्लैक कोबरा है। कोबरे की ये खूबी है कि अगर वो किसी भी थ्रेट को देखे तो वो ज़्यादा एग्रेसिवनेस शो नहीं करता, और अगर उसे कंफर्म हो जाए कि जो मेरे सामने है वो शख्स है या जानवर वो ख़तरनाक हो सकता है, तो फिर वो एग्रेसिवनेस शो करेगा। शौक सांपों का और तलाश कोबरा की मुनीब साहब को ले गई छोर। अब दोपहर का टाइम है और हम पहुंच चुके हैं छोर में, पहुंच चुके हैं। हमें इस एरिया में ट्रेसेस तो मिले हैं, अंदाजा है सांपों के ट्रेसेस का। ये देखिए, ये कहीं कहीं